वेलकम बैक दोस्तों, मैं हूं शाज़ेब अशरफ। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज की इस वीडियो में करने जा रहे हैं कंपैरिजन रेडमी 13Z 5G वर्सेस लावा स्टॉर्म 5G के बीच में। दोनों स्मार्टफोन्स आते हैं सिमिलर प्राइस पॉइंट के ऊपर, तो आपको इन दोनों में से कौन सा लेना चाहिए आज की इस वीडियो में पता चल जाएगा। वीडियो में एंड तक बने रहिएगा एंड चैनल में पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए। 1 लाख सब्सक्राइबर्स जल्दी पूरे हो जाएंगे और पीछे लग जाएगा एक सिल्वर प्ले बटन। तो लेट्स गेट स्टार्टेड, चलिए कंपैरिजन को शुरू करते हैं। सबसे पहले आते हैं डिजाइन एंड लुक्स के ऊपर। Redmi 13C 5G के अंदर काफी ज्यादा प्रीमियम बैक आपको मिलती है। दोनों स्मार्टफोन्स में ग्लास बैक आती है, बट Redmi 13C 5G को जब आप देखते हैं तो काफी सारे पैटर्न्स दिखाई देते हैं। वर्टिकल लाइंस जा रही हैं, डायगोनल लाइंस का पैटर्न है एंड जो ग्रेडियंट फील है डॉटेड पार्टिकल्स का, वो काफी प्रीमियम लगता है। डुअल कैमरा सेटअप यहाँ पे काफी बड़े बड़े यूज करे गए हैं, हालांकि काम एक ही करता है। वहीं अगर हम आते हैं लावा स्टॉर्म 5G के ऊपर, तो यहाँ पे भी बैक में आपको ग्लास फिनिश मिलेगा एंड ये गेल ग्रीन कलर में आता है। कैमरा मॉड्यूल्स भी यहाँ पे आपको वर्टिकल देखने को मिलेंगे, 3 कैमरा दिखाई दे रहे हैं, 1 LED फ्लैश है उसमें। एंड लावा ने अपनी जो बैक की डिजाइन रखी है काफी ज्यादा सिंपल एंड सॉलिड कलर में रखी है। यहाँ पे कोई भी पैटर्न्स एंड ग्रेडियंट वाला फील नहीं मिलता है। पोर्ट्स एंड बटन्स के ऊपर आए तो दोनों स्मार्टफोन्स में आपको साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर मिल जाता है, उसके ऊपर वॉल्यूम के बटन्स आ जाते हैं। बॉटम से अगर आप देखते हैं तो रेडमी 13C 5G में आपको सिंगल स्पीकर दिख रहा है, टाइप सी का पोर्ट है और एक माइक्रोफोन। टॉप पे है यहाँ पर 3.5mm जैक। 3.5mm जैक लावा स्टॉर्म 5G में भी आता है, बट इसमें आपको बॉटम पे ही दिखता है। एक प्लस पॉइंट बनता है लावा स्टॉर्म 5G के लिए, वो है डुअल माइक्रोफोन का सपोर्ट। एक माइक्रोफोन बॉटम पे है और एक टॉप पे दिया गया है। दोनों स्मार्टफोन्स का जो डिजाइन एंड लुक्स है वो थोड़ा सा अलग है, तो ये थोड़ा सब्जेक्टिव पॉइंट बन जाता है कि किन लोगों को ये ग्रेडियंट एंड पैटर्न वाला फील पसंद आएगा एंड कौन से लोग होंगे जो सॉलिड कलर के साथ जाएंगे लावा स्टॉर्म 5G में। डिस्प्ले की बात करें तो Redmi 13C 5G में आपको मिलेगा 6.74 इंच का एक HD प्लस पैनल, जो कि आता है 90Hz के रिफ्रेश रेट के साथ। एंड Redmi 13C 5G में आपको मिलेगा यू शेप नॉच। बेजल्स की अगर हम बात करें तो बॉटम से थोड़े से ज्यादा बेजल्स देखने को मिलते हैं। ब्राइटनेस लेवल्स यहाँ पे मिलने वाले हैं 450 निट्स के, HDR का सपोर्ट यहाँ पे नहीं आता है। मैक्सिमम रेजोल्यूशन जाता है 1440p का अगर आप YouTube के ऊपर कोई भी वीडियो को प्ले करते हैं। इसका जो डिस्प्ले है कलर्स वगैरह काफी अच्छे से प्रोड्यूस कर देता है, YouTube पे अगर आप वीडियो देखेंगे तो आपको काफी मजा आता है। बात की जाए लावा स्टॉर्म 5G की, तो यहाँ पे आपको मिलेगा 6.78 इंच का एक फुल HD प्लस डिस्प्ले पैनल, जो कि आता है 120Hz के रिफ्रेश रेट के साथ। तो यहाँ पे जो डिस्प्ले का साइज है वो थोड़ा सा आपको बड़ा मिलता है Redmi 13C के कंपैरिजन में। फ्रंट में यहाँ पे दिया गया है पंच होल कैमरा सेटअप, तो थोड़ा सा ज्यादा प्रीमियम दिखाई देता है। बेजल भी आपको लावा स्टॉर्म 5G में थोड़े से कम मिलेंगे। बॉटम से अगर आप कंपेयर करें दोनों फोन्स को तो लावा में थोड़े से कम है बेजल्स। लावा में आपको मिलते हैं 580 निट्स के ब्राइटनेस लेवल्स, तो आउटडोर कंडीशन में इसका भी डिस्प्ले विजिबल होना चाहिए था Redmi 13C के कंपैरिजन में, बट ऐसा होता नहीं है। दोनों स्मार्टफोन्स की ब्राइटनेस लेवल्स में Redmi 13C 5G ज्यादा विजिबल रहता है आउटडोर कंडीशंस में। हालांकि नंबर्स के मामले में Redmi 13C पीछे आता है, बट पता नहीं फिर भी इसका डिस्प्ले ज्यादा ब्राइट है। ओवरऑल अगर आप डिस्प्ले के मामले में देखें तो लावा स्टॉर्म 5G थोड़ा सा ज्यादा प्रीमियम डिस्प्ले देता है Redmi 13C 5G के कंपैरिजन में। एंड यहाँ पे 120Hz का रिफ्रेश रेट भी है, तो थोड़ा सा ज्यादा फास्ट एंड फ्लुएंट एक्सपीरियंस मिलता है आपको इसके अंदर। परफॉर्मेंस की बात की जाए Redmi 13C 5G में दिया गया है MediaTek Dimensity 6100 Plus का चिपसेट। LPDDR4X की RAM आती है, स्टोरेज है UFS 2.2 का। वेरिएंट्स की बात करें तो यहाँ पे 4GB RAM, 6GB RAM, 8GB RAM वाले वेरिएंट्स अवेलेबल हैं। मैक्सिमम स्टोरेज आती है 256GB तक। एंटीटू स्कोर्स के ऊपर आए तो अप्रोक्सीमेटली जाते हैं 4 लाख के आसपास। CPU थ्रॉटलिंग टेस्ट के अंदर भी ऑलमोस्ट ग्रीन ग्राफी रहता है, 95% के स्कोर्स निकल के आ जाते हैं थ्रॉटलिंग के टेस्ट के अंदर। सो एक डिसेंट लेवल की परफॉर्मेंस Redmi 13C 5G में मिलती है। गेमिंग के ऊपर आते हैं तो BGMI की टेस्टिंग करके हमने देखी दोनों स्मार्टफोन्स की। बात करें Redmi 13C 5G की परफॉर्मेंस में, तो यहाँ पे आपको मिलता है स्मूथ पे अल्ट्रा का ऑप्शन एंड HD में आपको मिलती है हाई सेटिंग्स। तो अगर आप स्मूथ पे गेम प्ले करते हैं तो यहाँ पे ठीक ठाक गेम प्ले का एक्सपीरियंस मिल जाता है। लावा स्टॉर्म 5G के ऊपर आते हैं तो यहाँ पे MediaTek Dimensity 6080 का चिपसेट यूज करा गया है। LPDDR4X की रैम दी गई है और सेम स्टोरेज मिलता है यहाँ पे भी UFS 2.2 का। एक ही वेरिएंट यहाँ पे आता है 8GB रैम 128GB स्टोरेज के साथ। एंड ये 8GB रैम वाला वेरिएंट आप 12,000 रुपए के प्राइस पॉइंट पे खरीद सकते हैं, तो ये इसका एक प्लस पॉइंट है। एंटीटू के स्कोर जो है वो लावा स्टॉर्म 5G के अंदर काफी तगड़े निकल के आते हैं, आराम से बीट कर जाता है Redmi 13C 5G को। 4.5 लाख के आसपास के स्कोर्स निकल के आते हैं। एंड अगर हम बात करते हैं CPU थ्रॉटलिंग की टेस्ट की, तो यहाँ पे एकदम 0% के रिजल्ट निकल गया है। CPU ने थ्रॉटल कराई नहीं है, 100% ग्रीन ग्राफ निकल के आया है। एंड ये जो डिफरेंस है गेमिंग के अंदर भी एक्सपीरियंस करने को मिलता है। BGMI की जो सेटिंग्स है दोनों स्मार्टफोन में सेम मिलेंगी। यहाँ पे भी आपको स्मूथ पे अल्ट्रा मिलता है, HD पे हाई सेटिंग्स मिलती है। बट स्मूथ के अंदर जब मैंने गेम प्ले करके देखा तो लावा स्टॉर्म 5G में ज्यादा स्मूथ गेम प्ले था। सो ओवरऑल परफॉर्मेंस में थोड़ा सा एक प्लस पॉइंट निकल के आ जाता है लावा स्टॉर्म 5G के साथ, कि यहाँ पे जो चिपसेट है वो थोड़ा सा ज्यादा पावरफुल है अगर आप कंपेयर करेंगे इसको Redmi 13C 5G के साथ। एप्स की जो ओपनिंग क्लोजिंग स्पीड है वो भी लावा स्टॉर्म 5G में ज्यादा फास्ट मुझे लगी। एंड 120Hz का रिफ्रेश रेट जो है लावा स्टॉर्म 5G में वो भी ज्यादा
फास्ट एंड फ्लूड एक्सपीरियंस आपको देता है। कैमरा कंपैरिजन के ऊपर आते हैं तो Redmi 13C 5G में आपको मिलता है 50 मेगापिक्सल का AI कैमरा सेटअप। रियर से अगर आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि यहाँ पे डुअल कैमरा सेटअप है, बट दूसरा कैमरा सिर्फ शोशेबाजी के लिए है। साइड में छोटा सा एक LED फ्लैश दिया गया है। वीडियो रिकॉर्डिंग की बात करें तो यहाँ पे आप कर सकते हैं 1080p 30fps में वीडियो शूट। वीडियो रिकॉर्डिंग में जो कलर्स वगैरह रहते हैं वो इसके अंदर काफी नेचुरल देखने को मिलते हैं। बात की जाए लावा स्टॉर्म 5G की तो यहाँ पे आपको मिलता है डुअल कैमरा सेटअप, 50 मेगापिक्सल का मेन सेंसर है, सेकेंडरी कैमरा दिया गया 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड। तो ये एक यूजफुल कैमरा मिलता है आपको लावा स्टॉर्म 5G में। एंड लास्ट जो है वो है LED फ्लैश। वीडियो रिकॉर्डिंग की बात करें तो लावा स्टॉर्म 5G में आपको मिल जाती है अप टू 2K की वीडियो रिकॉर्डिंग का ऑप्शन, जो आप 30fps में विद स्टेबिलाईजेशन बना सकते हैं। वीडियो को अगर हम कंपेयर करते हैं दोनों स्मार्टफोन्स के रियर कैमराज में तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लावा स्टॉर्म 5G के अंदर काफी ज्यादा सैचुरेटेड वीडियो निकल के आती है। वहीं Redmi 13C 5G का जो कैमरा है काफी नेचुरल कलर शो करता है। एक प्रॉब्लम मैंने फेस करी है लावा स्टॉर्म 5G में, वो था एक्सपोजर का प्रॉब्लम। थोड़ी सी ओवर एक्सपोज ये वीडियो दिखाता है, लेकिन ऐसी कोई भी प्रॉब्लम आपको Redmi 13C 5G के कैमरा में नहीं मिलेगी। हालांकि यहाँ पे रेस्ट्रिक्ट रहते हैं आप 1080p 30fps तक के रेजोल्यूशन पे। फोटोज को कंपेयर किया जाए तो लावा स्टॉर्म 5G में जो कैमरा की फोटोज आ रही है मुझे ज्यादा अच्छी लगी एज कम्पेयर टू Redmi 13C 5G। डिटेल्स वगैरह ज्यादा अच्छे से शो करता है लावा स्टॉर्म 5G का कैमरा एज कम्पेयर टू Redmi 13C। कुछ कैमरा शॉट्स यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कैसा कंपैरिजन साइड बाय साइड चल रहा है। अगर हम पोर्ट्रेट शॉट्स की बात करें तो एक जो एज डिटेक्शन रहता है वो भी लावा स्टॉर्म 5G के अंदर ज्यादा बेहतर है, एंड कभी कभार वो थोड़ा सा आर्टिफिशियल भी हो जाता है। एक प्लस पॉइंट लावा के अंदर तो हमेशा रहेगा, वो है 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा, जो आपको Redmi 13C 5G में नहीं मिलता है। तो अगर आपको अल्ट्रा वाइड शॉट्स लेने हैं तो जाइए लावा स्टॉर्म 5G के साथ। फ्रंट कैमरा के ऊपर आते हैं तो यहाँ पे भी क्लियर कट विनर बन जाता है लावा स्टॉर्म 5G, क्योंकि यहाँ पे आपको मिलता है 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा। वहीं बात करें Redmi 13C 5G की तो यहाँ पे आता है जस्ट 5 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा। तो डिटेल्स में जमीन आसमान का फर्क आ जाता है। कुछ फोटोज हैं उसमें आप देख सकते हैं कैसा परफॉर्म कर रहे हैं दोनों स्मार्टफोन के कैमरास। वीडियो रिकॉर्डिंग के ऊपर आए तो दोनों स्मार्टफोन से आप 1080p 30fps की रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, एंड एक कंपैरिजन साइड बाय साइड आपके सामने है। आप यहां पे देख पाएंगे कैसे कलर्स आ रहे हैं दोनों स्मार्टफोन के कैमरास में, एंड स्टेबिलाईजेशन का भी आइडिया यहां से आपको लग जाएगा। सो लास्ट में अगर बात करूं कि कैमरा के डिपार्टमेंट में कौन यहां पे विनर है, तो क्लियर कट विनर बनता है लावा स्टॉर्म 5G इन दोनों स्मार्टफोन्स में। बैटरी की बात कर लेते हैं, दोनों स्मार्टफोन्स में आपको मिलती है 5000mAh की एक बड़ी बैटरी। चार्जिंग के मामले में लावा स्टॉर्म 5G आगे निकल जाता है, क्योंकि यहाँ पे 33 वॉट की फास्ट चार्ज मिलती है, एंड यहाँ पे आपको टाइप सी टू टाइप सी की केबल भी मिल रही बॉक्स में फास्ट चार्जिंग के लिए। वहीं Redmi 13C 5G में आपको मिलती है 18 वॉट की चार्जिंग, बट बॉक्स के अंदर मिलता है 10 वॉट का चार्जर। तो ये एक नेगेटिव पॉइंट है Redmi 13C 5G में। बाकी जो बैटरी का बैकअप रहता है दोनों स्मार्टफोन्स का ऑलमोस्ट सिमिलर है, 7 से 8 घंटे का आसपास आपको स्क्रीन ऑन टाइम मिलने वाला है दोनों स्मार्टफोन्स में। सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस की बात अगर हम करते हैं तो यहाँ पे Redmi 13C 5G में आपको मिल रहा है MIUI 14, एंड Android 13 के साथ आता है। अपडेट्स के रिगार्डिंग क्या पॉलिसी रहेगी इसके बारे में कोई भी अभी यहाँ पे इन्फॉर्मेशन नहीं है। बाकी ब्लोटवेयर से यहाँ पे आपको भर भर के मिलने वाले हैं इसके UI के अंदर, बिकॉज ये MIUI है। तो यहाँ पे उतना अच्छा एक्सपीरियंस आपको नहीं मिलता है जो आपको लावा स्टॉर्म 5G में मिलता है। लावा में भी आपको मिलता है Android 13, एंड यहाँ पे आपको 1 साल का OS का अपग्रेड मिलने वाला है, 2 साल के सिक्योरिटी के अपडेट्स यहाँ पे आएंगे। तो अपडेट पॉलिसी लावा की ज्यादा अच्छी है बजट सेगमेंट का फोन होते हुए भी। बाकी काफी क्लीन एंड्रॉइड एक्सपीरियंस आपको देता है, कोई भी ब्लोटवेयर वगैरह यहाँ पे नहीं आते हैं। अगर आपने बजट सेगमेंट्स के मोटोरोला फोन्स को यूज करा हुआ है तो कुछ वैसा ही फील यहाँ पे भी आपको मिलता है। काफी ज्यादा फास्ट इसके एनिमेशन वगैरह रहती हैं, कस्टमाइजेशन लावा के अंदर आपको ज्यादा बेहतर तरीके से काम करते हुए दिखाई देंगे। साथ ही साथ लावा के अंदर आपको बैकग्राउंड स्ट्रीम जैसे ऑप्शन भी देखने को मिलते हैं इसके UI के अंदर, तो ये काफी बढ़िया फीचर बन जाता है। YouTube पे कोई भी सॉन्ग आपको प्ले करना है तो YouTube प्रीमियम परचेज करने की जरूरत नहीं है, बैकग्राउंड स्ट्रीम को ऑन कर लीजिए, फोन को डालिए जेब में और मस्त गाने सुनिए। ये चीजें आप Redmi 13C 5G में नहीं कर सकते। तो सॉफ्टवेयर का जो एक्सपीरियंस है वहां पे भी लावा स्टॉर्म 5G आगे निकल जाता है। कनेक्टिविटी की बात करें तो Redmi 13C 5G में आपको मिलते हैं 7 5G के बैंड्स, ब्लूटूथ 5.3 का सपोर्ट, डुअल बैंड वाईफाई को भी ये सपोर्ट करता है, साथ ही साथ कैरियर एग्रीगेशन भी यहाँ पर काम करता है बढ़िया तरीके से। 5G नेटवर्क पे 5G प्लस ये शो करता है। वहीं अगर हम आते हैं लावा स्टॉर्म 5G पे तो यहाँ पे आपको मिलते हैं 8 5G के बैंड्स। तो 5G के बैंड्स के मामले में लावा आगे निकलता है। ब्लूटूथ वर्जन यहाँ पे 5.0 दिया गया है तो उसमें पीछे हो जाता है। डुअल बैंड वाईफाई भी यहाँ पे आता है, साथ ही साथ अगर हम बात करें कैरियर एग्रीगेशन भी तो वो भी यहाँ पे सपोर्टेड है, 5G प्लस शो करता है। NFC आपको दोनों ही स्मार्टफोन्स में नहीं मिलेगा क्योंकि ये बजट सेगमेंट के फोन्स हैं। कॉलिंग एक्सपीरियंस भी आपको लावा स्टॉर्म 5G में ज्यादा अच्छा मिलता है क्योंकि यहाँ पे डुअल माइक्रोफोन्स का यूज करा गया है। Redmi 13C 5G में जस्ट एक ही माइक्रोफोन आता है बॉटम के ऊपर। बाकी अगर आपको कॉल रिकॉर्डिंग करनी है तो दोनों ही स्मार्टफोन्स पर अवेलेबल है, दोनों के अपने डायलर्स को आप यूज करके कॉल रिकॉर्ड कर सकते हैं। सेंसर्स के ऊपर आते हैं तो Redmi 13C 5G में आपको 20 सेंसर शो करता है एप्लीकेशन के अंदर, बट इंपॉर्टेंट सेंसर मिसिंग है, वो है जायरो का सेंसर, जो कि गेमिंग के अंदर यूज होता है, तो ये आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। वहीं अगर हम आते हैं लावा स्टॉर्म 5G पे तो यहाँ पे सारे इंपॉर्टेंट सेंसर आपको मिलते हैं इंक्लूडिंग जायरोस्कोप, बट टोटल यहाँ पे 13 शो कर रहा है सेंसर। बाकी जो फिंगरप्रिंट सेंसर है वो भी
भी लावा के अंदर ज्यादा फास्ट काम करता है, इसको मैंने कंपेयर करा रेडमी के साथ। तो यहाँ पे जो लॉक अनलॉक की स्पीड है वो लावा स्टॉर्म 5G में आपको ज्यादा अच्छी मिलेगी। रेडमी 13C 5G का भी सही काम करता है, बट ये कभी कभी फंस जाता है। नाउ इट्स टाइम फॉर मल्टी मीडिया एक्सपीरियंस। दोनों स्मार्टफोन्स में आपको बॉटम पे मिलता है सिंगल स्पीकर, तो लाउडनेस के मामले में दोनों ही सिमिलर परफॉर्मेंस देते हैं। 100% वॉल्यूम पे सुनेंगे तो थोड़ा सा डिस्टॉर्शन आ जाता है इनके स्पीकर्स में। एंड अगर आपको गाने शाने सुनने का शौक है, 3.5 mm जैक दोनों स्मार्टफोन्स में दिया गया है, तो ये भी एक प्लस पॉइंट बनता है। लास्ट में आ जाते हैं भाई अपने कंक्लूजन के पॉइंट पे, कौन सा फोन आपको परचेज करना है अगर आपका बजट है 10 से 12 हजार रुपए के बीच में। तो इस कंपैरिजन के अंदर ऑलमोस्ट सभी डिपार्टमेंट में लावा स्टॉर्म 5G ने बीट करा है रेडमी 13C 5G को। बात की जाए डिस्प्ले में, तो यहाँ पे 120Hz का रिफ्रेश रेट है, रेडमी 13C में आता है जस्ट 90Hz का। कैमरा के डिपार्टमेंट में भी यहाँ पे 8 megapixel का अल्ट्रा वाइड कैमरा दिया गया है, जो कि रेडमी 13C 5G में गुल है। परफॉर्मेंस में भी लावा स्टॉर्म 5G आगे निकल जाता है। एंड बात करते हैं बैटरी की, तो यहाँ पे भी 33W की फास्ट चार्जिंग आती है, रेडमी 13C 5G में जस्ट 10W का चार्जर मिलता है बॉक्स में, हालांकि फोन 18W को सपोर्ट करता है। एंड सॉफ्टवेयर का जो एक्सपीरियंस है वो भी लावा स्टॉर्म 5G के अंदर ज्यादा क्लीन मिलता है। रेडमी 13C 5G में एक ब्लोटवेयर का जो पॉइंट रहता है वो हमेशा ही बना रहेगा। तो जितने भी पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं, इसमें लावा स्टॉर्म 5G काफी आसानी से आगे निकल रहा है, तो मेरे लिए लावा स्टॉर्म 5G ज्यादा बेटर ऑप्शन है इन दोनों स्मार्टफोन्स में से। बाकी दोस्तों आपका क्या ओपिनियन है दोनों स्मार्टफोन्स के रिगार्डिंग, आप लोग कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर अच्छी लगी हो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स में, और चैनल पर पहली बार आए थे इस वीडियो को देखा है तो सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए, 1 लाख सब्सक्राइबर्स पूरे कराइए, सिल्वर प्ले बटन को टंगाइए। मिलते हैं आप सभी से एक और एक्साइटिंग टेक्नोलॉजी की वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, बने रहिएगा हमारे साथ इसी तरह। हैव अ नाइस डे।